in this big lake, if there is a small bubble which pops up, okay, this bubble pops up. When this bubble bursts, उसके ripples कैसे आगे बढ़ते, ऐसे आगे बढ़ते हैं ना ripples उसके, उसके रिपल्स ऐसे आगे बढ़ते कि नहीं, यस और नो? यस सर। तो ऐसे आगे बढ़ बढ़ के उसके रिपल्स एंड में जाके खत्म, तो वो बबल ऐसे आगे बढ़ता है, तो बबल शॉर्ट जो टेक्निक है ना, इट इज प्रोग्रेसिव, वो ऐसे आगे बढ़ती रहती, ठीक है? अब वो कैसे आगे करती है, वाल शो यू ऑल. So what were the numbers yesterday we had taken? Who can tell me? इसी पे करते ऑपरेट, ताकि आप लोगों को डिफरेंस मालूम पड़ जाए. ओके, तो लिस्ट देम डाउन. 55, 33, 22, 44, 57, ओके? अभी कैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, तो फर्स्ट यू विल कंपेयर दिस विद दिस, तो इज सॉर्टिंग सॉर्टिंग रिक्वायर्ड, तो इसके इंडेक्सेस क्या है, इंडेक्स याद रखना हमेशा, इंडेक्सेस क्या है, इंडेक्सेस क्या है, लेट मी मेक स्पेस फॉर द इंडेक्सेस, व्हाट आर द इंडेक्सेस, तो हमेशा इंडेक्स का यू शुड बी अवेयर ऑफ द इंडेक्स, ओके? तो अभी इसके लिए जो मैं पॉइंटर लूंगा वो लूंगा जे, क्या लूंगा, कौन सा पॉइंटर लिया, तो अगर जे वन पे है तो जीरो पे क्या है, इफ जे इज एट वन देन जीरो विल बी कॉल्ड जे माइनस वन, समझ रहा है नहीं समझ रहा है, हेलो? तो अगर जे जे अगर मैं इनिशियलाइज करता हूं वन, जे इनिशियलाइज क्या किया, तो व्हाट आर आई कंपेयरिंग नाउ, जे विथ व्हिच, आई एम कंपेयरिंग जे विथ जे माइनस वन एलिमेंट, राइट? तो अभी बड़ा है क्या, जे माइनस वन ग्रेटर देन जे, J minus 1 is it greater than J, true or false? Then swap. Then what you do? So kya ho jayega? Rest remains as it is. Okay, now we have to progress. Now you have to move forward. So now you will compare what? Now you will compare what? वही एग्जांपल लेते हैं समंदर वाला, तो समंदर में अगर कोई वेल, बड़ी वेल भी मर जाती है ना, समंदर में अगर कोई वेल मछली है, ठीक है, कोई समंदर में वेल मछली है, एंड दैट वेल मछली अब ये वेल मछली डेड है, तो what does the waves do guys, the waves wash away this whale machli on the seashore, hai kya nahi, awesome, what nonsense guys, to wo ye waves jo hai na laate kya karti, jitne bhi laate hai
लाटे बोले तो कॉफी, क्या करती वो? वो वेव्स क्या करती है, इसको ऐसे धक्का दे दे के शोर पे लाके छोड़ देती है ना। हाँ सर, तो वैसे ही हमारे वेव्स चलेंगे और सबसे बड़े नंबर को एंड में छोड़ के आ जाएंगे। क्या क्या करेंगे, सबसे सबसे बिगेस्ट नंबर कौन सा है, सबसे बिगेस्ट नंबर इसमें? 57। तो वो उसको एंड में छोड़ के, और फॉर्चुनेटली वो एंड में ही है तो मालूम पड़ जाएगा। अभी 22, अभी तो माय ing will increment now, ing will, my j will increment, my j will increment, so will my j come to which position? J plus plus हो गया ना, j was 1, j was where? Starting में j क्या था? 1 था, तो अभी जब मेरा j increment हो तो j क्या हो जाएगा? तो j 1 था, अभी j क्या हो गया? 2 हो गया, right? तो इस इटरेशन के लिए J1 था, इस इटरेशन के लिए J क्या हो जाएगा? तो ये J का वैल्यू है, नजर रखना इसके ऊपर। इस इटरेशन के लिए 1 था, अभी J++ हो गया, ठीक है, तो J++ हुआ, तो अभी J का आ गया, J was 1, J was 1, J++ हुआ, फिर J क्या, अभी J क्या हो गया? 2, तो J2 हो गया, तो J-1 क्या होगा? 1, and what are you comparing J-1 with J? तो is J-1 greater than J? Is 55 greater than 22? True or false? True or false? 55 greater than 22? True. तो ट्रू है तो स्वाप, तो 22 कम्स हियर एंड 55 कम्स हियर, बाकी लोग अपनी जगह पे, बाकी लोग अपनी जगह पे, 33 अपनी जगह पे और 44 अपनी जगह पे, ठीक है। अब वापस J++, वापस क्या होगा, तो J क्या हो जाएगा? 3, तो यहां पर आ जाएगा। तो जब J3 है तो J-1 क्या है? 2। And what are we, what are we comparing? J-1 greater than J. True क्या false? True. तो swap. तो क्या होगा? 44 इधर और 55 इधर, बाकी अपनी जगह पे, बाकी सब भाई साहब अपनी जगह पे, तो 33 अपनी जगह पे और 22 अपनी जगह पे और 57 अपनी जगह पे। ओके, अभी वापस क्या हो गया? J++ हो गया, तो J क्या हो गया? J4 हो गया ना। तो व्हाट आर वी गोइंग टू कंपेयर? जैसे वी आर नाउ मूविंग फॉरवर्ड with the comparison. Now 55 with 57, true or false? 55 greater than 57, true or false? Yeah, it was true. So we swap. Yeah, also it was true. So we swapped. Yeah, also it was true. So we swapped. Yeah, false hai. So no swap. है ना, एंड दिस कंप्लीट्स माय फर्स्ट इटरेशन, दिस कंप्लीट्स माय फर्स्ट इटरेशन। सो इफ यू ऑब्जर्व आफ्टर द फर्स्ट इटरेशन द बिगेस्ट नंबर हैज कम टू द शोर, द बिगेस्ट नंबर हैज कम टू द एंड। ठीक है, अब अनसॉर्टेड नंबर्स कौन से? अनसॉर्टेड नंबर्स These are my unsorted numbers, right?
हेलो। समझ रहा है? सर फिर से अच्छा पूरा शॉर्ट होने तक। हाँ, तो अभी वापस ये खेल चलेगा। सर वीडियो देखा मैंने कल इसका। समझा ना? हाँ ठीक है, फर्स्ट इटरेशन हो गया। अब वापस मेरे को जे को फर्स्ट पे लाना है, क्योंकि अभी मेरा आप तो शॉर्ट नाउ 33, 22, 41, 55 ना। तो अगेन आई विल ब्रिंग जे टू वेयर। वापस जे किधर आएगा? अभी वन पे वापस। तो जे इधर आ गया, तो जे माइनस वन किधर आया? अभी जीरो पे ना। तो वापस जी अगेन कम्स टू वन। अभी चलो इनको कम पे 33, 22 करना है शॉर्ट या नहीं करना है? करना है सर। तो ट्रू एंड यस, तो क्या हो जाएगा? 22 एंड 33, अदर्स रिमेन एज इट इज। एंड नाउ डोंट डिस्टर्ब द डोंट डिस्टर्ब द 57। ओके, अभी जे प्लस प्लस होगा ना, है कि नहीं? तो जे क्या हो जाएगा? जे टू हो जाएगा। तो जे माइनस वन क्या हो जाएगा फिर? ये इधर आ जाएंगे। तो जे सी दिस, फॉलो दिस, ये लाइन फॉलो करो। देखो जे का वैल्यू, ये लाइन, ये जो है टी टू दिख रहा है क्या? ये रेड टू, तो ये बोल रहा हूं मैं। व्हेन आई से जे इक्वल्स टू टू, फॉलो दिस लाइन ऊपर वाला। तो जे इज टू, तो व्हाट इज जे माइनस वन? तो इज, तो सेम लॉजिक विल रिमेन द सेम, लॉजिक ही चलेगा। इज जे माइनस वन ग्रेटर देन जे? इज 33 ग्रेटर देन 40? तो वी आर गोइंग टू कंपेयर व्हाट? इज 33 ग्रेटर देन 40? नो। तो फॉल्स है तो फिर नो स्वैपिंग। फॉल्स है तो यार ट्रू था तो स्वैप था, या फॉल्स है तो नो स्वैप। नो, तो क्या करेंगे? 33 अपनी जगह पे और 44 अपनी जगह पे, बाकी 22 अपनी जगह पे और 55 अपनी जगह पे। अब क्या करेंगे? जे प्लस प्लस, तो जे क्या बन गया? जे इक्वल टू 3। तो जे माइनस वन क्या हो जाएगा फिर? इधर आ गया। तो अभी जे माइनस वन ग्रेटर देन जे, मतलब जस्ट कंपेयरिंग 44 विथ 55, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, तो नो स्वॉप, सो इट रिमेन्स एज इट इज। इट रिमेन्स एज इट इज एंड माई इटरेशन इज डन। सो माई बिगेस्ट नंबर इज सेकेंड बिगेस्ट नंबर आउट ऑफ द अनस्वॉप्ड। अनस्वॉप्ड में से बिगेस्ट नंबर आ गया एंड में, ठीक है? तो ये मेरा इटरेशन टू था। क्या था ये? हाँ, नीचे है। दिस वाज माय इटरेशन टू। सो दिस वाज माय इटरेशन वन, दिस वाज माय इटरेशन टू। अभी कितने नंबर स्वॉप करना बाकी है? कौन से वो नंबर है? वो 22, 33। तो उनको लिखते वक्त इंडेक्स फॉलो करना बराबर, लिखते वक्त इंडेक्स बराबर फॉलो करना। 0, 1 और 2, दिस लाइन शुड बी मेंटेन्ड, डोंट डाइवर्ट फ्रॉम दैट। ओके, तो अगेन जे विल कम टू वेयर? जे विल कम टू वन। तो जे इधर है, एंड व्हाट आर वी कंपेयरिंग जे विथ? जे माइनस वन।
22 greater than 33? False. So no swap. तो ये एज इट इज लिख देंगे. और 44 रुपये एज इट इज लिख देंगे. अब जे प्लस प्लस तो जे क्या बन गया, जे इक्वल्स टू 2. जे इक्वल्स टू मतलब जे इधर आ गया, जे इधर गया तो जे माइनस वन इधर आ जाएगा. नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू कंपेयर, थर्टी थ्री एंड 44, यस और नो? ये 33 ग्रेटर देन 44, फॉल्स. No swap. So the number remains as it is. 22, 33 and 44. ये number बाहर आ गया, तो ये भी sort हो गया. Then this was my iteration 3. कौन से number sort करने हैं अभी? बचे क्या नंबर 22 और 33. तो अगेन माय जे कम्स टू 1, तो दिस इज माय जे एंड दिस इज माय जे माइनस 1. इज 22 ग्रेटर देन 33? नो, फॉल्स. तो नो स्वॉप. 22 अपनी जगह पे और 33 अपनी जगह पे. 33 स्वॉप हो गया. एंड दिस वाज माय इटरेशन नंबर 4. Now I'm left with only 22. यहाँ पर कुछ भी नहीं करने का. यहाँ पर कुछ भी नहीं करने का. Directly इसको mark कर देने का, ये sort हो गया. अब बताओ मुझे कितने लगे iterations लगे इसके अंदर? कितने iterations लगे? 5. तो outer for loop क्या करेगा? आउटर फॉर लूप क्या करें? आउटर फॉर लूप 1 to 5, या 0 to less than 4. फॉर आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस. तो आउटर फॉर लूप विल कीप अ काउंट ऑफ द इटरेशन, विल कीप अ काउंट ऑफ द 1 से शुरू किया ना, 1 से. ओके, आपको अगर वो वाला, अगर आपको 0 वाला चालू करना है तो 0 वाला चालू कर दो आप. तो एक 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 कम कर दो, यहाँ 0 कर दो और यहाँ इक्वल टू निकाल दो. ठीक है, तो आउटर फॉर लूप विल कीप अ चेक ऑफ द इटरेशंस. यू कैन यूज दिस और दिस. तो क्या बोलने का, आउटर फॉर लूप विल कीप काउंट ऑफ द iterations. आउटर फॉर लूप का यही काम है कि वो iterations का काउंट रखे.
अब आते हैं इनर इनर फॉर लूप पे। इनर फॉर लूप विल कीप काउंट ऑफ स्वैपिंग, विल कीप काउंट ऑफ, तो इनर इनर फॉर लूप इनिशियलाइज जे विल ऑलवेज कम टू वन ना, जे विल ऑलवेज कम टू वन, तो जे विल स्टार्ट फ्रॉम, जे विल स्टार्ट वन फ्रॉम वेयर, वन। अब देखो फर्स्ट इटरेशन में कितने कितने बार स्वैपिंग किया अपन ने, कंपेयर कितने बार किया फर्स्ट इटरेशन में, स्वैप कंपेयर कितने हुए हैं, फोर हुए हैं। सेकंड इटरेशन में कितने हुए, थर्ड इटरेशन में, और फोर्थ इटरेशन में, और फिफ्थ इटरेशन में जीरो। तो हर इटरेशन में कम हो रहे हैं एक से, किसे कम हो रहे हैं, तो ये जाना चाहिए फोर तक, कहां जाना चाहिए फर्स्ट इटरेशन में वन से लेके वन टू लेस देन फाइव तक, लेस देन फाइव तक, राइट और रॉन्ग। तो अपन इसके लिए ये वाला लॉजिक यूज कर लेते, दिस लॉजिक इज सेंसिबल। तो आई का वैल्यू क्या, आई का वैल्यू क्या है, आई का वैल्यू क्या है, जीरो, और जे का वैल्यू क्या है, तो मुझे फर्स्ट इटरेशन में जे शुड गो टू लेस देन फाइव ना, वन टू थ्री फोर है कि नहीं, जे शुड बी लेस देन फाइव है ना, और जे प्लस यहां पर कुछ छोड़ रहा हूं मैं, यहां पर तो यहां पर थोड़ी गैप छोड़ रहा हूं मैं, और जे प्लस प्लस है कि नहीं, तो ये कितने कितने, तो फर्स्ट इटरेशन में कितने कितने कंपैरिजन हो गए, जे इक्वल टू वन प्लस प्लस जे टू प्लस प्लस जे थ्री प्लस प्लस जे फोर, फाइव लेस देन फाइव टूट जाएगा, ठीक है। अभी आई आगे बढ़ गया, तो आई क्या हो गया, वन हो गया, पहले आई जीरो था ना, अभी आई क्या हो गया, वन हो गया ना, अभी जब आई वन है सेकेंड इटरेशन में कितने कंपैरिजन होंगे, तीन कंपैरिजन ना, हेलो, तीन। तो मतलब देखो जब जब आई, व्हेन आई वाज जीरो, व्हेन आई वाज जीरो, व्हेन आई वाज जीरो, जे वाज गोइंग फ्रॉम वन टू थ्री और फोर है ना, फाइव लेस देन फाइव टूट जाता था, ठीक है नहीं। अभी जब आई हो गया है वन, आई क्या हो गया है, तो जे विल गो फ्रॉम वन टू और थ्री, एक कम हो गया ना, जब जे हो जाएगा टू, तो आई विल गो फ्रॉम, जे विल गो फ्रॉम, ओके, जब आई हो जाएगा टू थर्ड इटरेशन में, जे विल गो फ्रॉम वन टू, तो ये जो वैल्यू ऑफ आई है ना, ये कम होता जा रहा है जे में से, समझ रहा है, यहां पर आई जीरो था ना, यहां पर आई जीरो था तो जीरो इटरेशन कम हुए, यहां पर आई वन है तो वन कम हो गया, यहां पर आई टू है तो टू कम हो गया है ना, तो इसके क्या करने का, फाइव माइनस आई, समझा, समझा क्या, ये स्वैप काउंट कैसे किया मैंने, नहीं सर। देखो जब आई का वैल्यू जीरो था तो जे कहां से कहां तक गया, जी अपना पूरा गया वन से लेके फोर तक गया है ना, ये हटा दो, ये साइड पे हटा दो। फर्स्ट इटरेशन में आई का वैल्यू क्या था, फर्स्ट इटरेशन में सर आई मतलब जे माइनस वन, नहीं नहीं नहीं, फर्स्ट इटरेशन में आई का वैल्यू क्या था, फर्स्ट इटरेशन में जीरो, तो जे अपना पूरा एंड तक गया वन से लेके फाइव तक, लेस देन फाइव मतलब जे वन टू थ्री फोर गया, जे पूरा गया ना, वन टू थ्री फोर पूरा एंड तक गया, ठीक है। अब जब जे फिनिश हो गया, जब स्वैपिंग खत्म हो गई, जब यहां पर अपन 55 अपने को मिल गया, तो इनर फॉर लूप खत्म हो जाती और आउटर फॉर लूप, फिर इनर फॉर लूप खत्म, फिर आउटर फॉर लूप भी खत्म,
तो आई प्लस प्लस हो गया, आई क्या हो गया, तो 1 हो गया ना 0 से। तो जे अभी कितने बार करेगा सेकेंड इटरेशन में, 3 बार स्वैप करेगा ना, तो मैं आई का वैल्यू जे में से कम कर दूंगा कि अभी तू सिर्फ 1 2 और 5 माइनस 1 मतलब कितना, 4 बार ही जा, 1 से लेके लेस देन 4, 1 से लेके लेस देन 4 मतलब कितना, 1 2 3, समझा। फिर थर्ड इटरेशन में 1 से लेके 5 माइनस 2 मतलब 1 और 2 सिर्फ, समझ रहे। और अभी अंदर हम लोग स्वैपिंग किससे कर रहे थे, कंपेयर किससे कर रहे थे, अंदर इफ लूप, इफ में क्या रहेगा, व्हाट आर वी कंपेयरिंग यार, क्या तो क्या, इफ व्हाट आर वी कंपेयरिंग, इफ एलिमेंट ऑफ ए एट जे माइनस वन इंडेक्स इज ग्रेटर देन एलिमेंट एट द जे इंडेक्स, राइट और रॉन्ग। तो जो भी इफ में लेना पड़ेगा जो, हाँ एलिमेंट ना, वी आर स्वैपिंग, हम लोग थोड़ी इंडेक्स कंपेयर कर रहे हैं, हम लोग 0 लेस देन 1 कंपेयर कर रहे हैं, 55 लेस देन 33 कंपेयर कर रहे हैं। j-1 greater than j 55, 55 ना, क्योंकि अगर j j 1 j अगर 1 पे है तो j-1 किधर है, 0 पे है ना। हाँ तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एरे का j-1 इंडेक्स कंपेयर कर रहे हैं j इंडेक्स से, जो भी आता है ना इफ के हाँ अंदर वही होता है कंपेयर। अभी इफ में ये है ना, तो ये स्वॉप होंगे अभी। सर ये j-1 greater than a j greater than ये वो है जब तू तू आया सेकंड इटरेशन के अंदर। अभी देखो सिलेक्शन सॉर्ट में अपन ने क्या कंपेयर किया था, a ऑफ i ग्रेटर देन a ऑफ j, क्या किया था कंपेयर अपन ने, greater a ऑफ j। तो और अपने स्वैपिंग भी इनको ही किया था, स्वैपिंग भी देखो इधर, जो चीज कंपेयर होगी वही स्वॉप होगी। व्हाट डिड वी कंपेयर इन, व्हाट डिड वी कंपेयर इन सिलेक्शन सॉर्ट, दिख रहा है इधर, एंड देन व्हाट डिड वी, व्हाट डिड वी स्वैप, यहां पर हम लोग, यहां पर हम लोग क्या कंपेयर कर रहे हैं, तो वही स्वाप होगा। मैं ये पूछ रहा हूँ कि a ऑफ j-1 क्या है, ग्रेटर देन a ऑफ j ग्रेटर देन, एक मिनट रुक, मुझे पहले ये कर लेते हैं। इसके लिए तू सेशन के स्टार्ट में ज्वाइन करेगा ना तो तेरे को और अच्छे से समझ में आएगा पूरा। अब ये कैसे स्वाप कर रहे हैं अपुन, ये a ऑफ j ग्रेटर कहाँ से आ गया, तो ए ऑफ जे ही है। ओके तो ए ऑफ जे माइनस वो वन गया सर कब इसमें, से पूछ रहा हूँ, ए ऑफ, मैंने बोला जे ग्रेटर ए ऑफ जे माइनस वन इसमें गया, और बस जो अपने कंपेयर किए उसको सॉल्व करना है, और क्या हो जाएगा, ए ऑफ जे में टेम जाएगा। टेम्प इसमें जाएगा, तो जो अपन ने कंपेयर किए हैं वो सॉप होगा, बस ये लॉजिक है बबल सॉर्ट का। तो ये फॉर लूप ऊपर वाला इटरेशन काउंट के लिए, नीचे वाला स्वैपिंग काउंट के लिए, और कंपेयर कर रहे हैं अपन j-1 को j से, ठीक है। अब ये मैंने इधर कोड लिखा है और मैंने उसको, टेम्प वाला समझाओ ना थोड़ा वो। एक मिनट पहले मैं ये वीडियो रन करके दिखा देता, ताकि वीडियो पॉज कर देता हूं मैं, अभी वीडियो हाँ वीडियो लेंथी ना हो। चलेगा देखो ठीक है, तो ये अपने नंबर्स है, दिख रहा है तुम लोगों को स्क्रीन, हाँ और ये अपन ने इसको डिस्प्ले कर दिया बिफोर बबल सॉर्टिंग। अब अपन ने क्या लगाया, फॉर आई इक्वल्स टू 0 आई लेस देन 5 आई प्लस प्लस, तो ये किसके लिए हो गया, काउंट द नंबर ऑफ, नंबर ऑफ क्या, इटरेशंस। और फिर देखो j इक्वल टू 1, j लेस देन 5 माइनस i j प्लस प्लस, विल काउंट द नंबर ऑफ
काउंट द नंबर ऑफ क्या? स्वैपिंग। स्वैपिंग। और फिर कंपेयर किससे कर रहे? ये अपने कंपैरिजन है, क्या कंपेयरिंग द जे माइनस वन इंडेक्स विद द जी इंडेक्स, और जो कंपेयर हो रहे वही स्वैप हो रहे, ठीक है। जे माइनस वन गया टेम में, जे गया जे माइनस वन में, और टेम गया जे माइनस जे में, और फिर ये आफ्टर बबल सॉर्टिंग, बिफोर आफ्टर का तो लॉजिक सेम ही है। तो ये आफ्टर बबल को डिस्प्ले कर दिया बस, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, ओके दिख रहा है? हेलो, हाँ सर, क्या दिख रहा है आप? बिफोर सॉर्टिंग क्या है? बिफोर सॉर्टिंग 55, 33, 22, 44, 57, और आफ्टर सॉर्टिंग क्या है? 22, 33, 44, 55, 57, ओके, हाँ सर, एंड दिस इज योर बबल सॉर्ट। सर कोड सेंड कर दो।